नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज और IBM TV9। मैं विजय खौसे, इस वक्त मैं संविधान चौक पर हूँ और मेरे साथ एक जाना माना चेहरा है और बहुत ही उनका नाम भी है, महाराष्ट्र से ही वो आते हैं, रामटेक क्षेत्र से है, वो कवि है, बड़े कवि है राहुल जी शामकुंवर मेरे साथ है और एक शिक्षक भी है और इस हालात के ऊपर में उन्होंने अभी क्या कविता ही लिखी है हम उनसे जानेंगे। राहुल जी, आपका WH न्यूज़ और IBM TV9 में स्वागत है। आप एक कवि के रूप में उभरे हुए हैं और हिंदी कवि है, आप मराठी होकर भी हिंदी की कविताएं लिखते हुए मराठी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बताओगे आप इस कविता का, आपका जो सफ़र है कैसा शुरुआत हुआ? सफ़र तो काफ़ी कठिन रहा, मगर अगर इंसान कुछ प्रयास करे, कुछ संघर्ष करे तो आगे बढ़ सकता है। नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आपको चलना है तो हथियार मतलब आगे बढ़ाना ही पड़ता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और भी सफ़र, और भी कुछ पायदान जो पूरी करने अभी बाकी है। बिल्कुल, सफ़र जो है वो तय करने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना ही पड़ता है। वैसे ही कविता भी आप लिखते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी सोच रख के कविता ही लिखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी सोच और कायनात के सपोर्ट में सब कुछ करना पड़ता है और तब जाके इंसान आगे बढ़ सकता है। क्या ऐसा आपकी कविता लिखी है देश के ऊपर में, कुछ ऐसा अपना सुनाइए दर्शकों को थोड़ा। जी बिल्कुल सही बात है। अगर मस्जिद की बात चले तो सबसे पहले भगवद गीता की बात हो। अगर मस्जिद की बात चले तो सबसे पहले भगवद गीता की बात हो। अगर मंदिर की बात चले तो सबसे पहले कुरान की बात हो। मस्जिद और मंदिर के लिए लड़ने वाले आज समाज के ठेकेदार हो। अगर मजहब की बात चले तो सबसे पहले इंसान की बात हो। यह है कि हाथों की लकीरों की रवानी बदल गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथों की लकीरों की रवानी बदल गई, बुढ़ापा जो आया अकड़ीली जवानी बदल गई। क्या बात है, बुढ़ापा जो आया अकड़ीली जवानी बदल गई। बेगम हमसे रूठ के यूँ दूर चली गई। तकदीर की अच्छी कहानी बदल गई। पड़ा रहता हूँ कोने में फटे पुराने अखबार की तरह। क्या बात है, पड़ा रहता हूँ कोने में फटे पुराने अखबार की तरह। तारीखें वही है जिंदगानी बदल गई। बहू जो ऊंचे खानदान से लाई थी लगता था किस्मत हमारे आता गई। मगर नौकरानी को गरम चाय बासी रोटी हमारे आता गई। गेहूं का आटा पिसवाने अक्सर पैदल चला जाता हूँ। मेरी दोपहिया स्कूटी की चाबी अब पोती के हाथ में आ गई। और आखिर में दोस्तों की पेंशन का एटीएम अक्सर बेटे के जेब में पाया जाता है। पाई पाई के लिए तरसता हूँ। बैंक की खाली किताब हमारे आता गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बिल्कुल, वाकई में जो इन्होंने जो अभी आखिरी का जो मतला सुना है बहुत ही वाकई में वैसा ही है। ये जो पूरा ऑनलाइन अगर सिस्टम हो गया, पेटीएम वगैरह सब आ गया, जो पेंशनधारी जो लोग हैं उनका बेचारों का पेंशन ही दूसरे निकाल लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। शामकुंवर जी, आप एक शिक्षक भी हो और बहुत एक आदर्श शिक्षक भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, शिक्षा के संदर्भ में थोड़ा क्या बताऊँगे, क्योंकि अभी कुछ गवर्नमेंट का ऐसा भी एक आया है कि ग्रामीण के जो जितने भी जिला परिषद के स्कूल है 20 पटसंख्या के नीचे वाले जो स्कूल है उनका कहना है कि ये बंद होना चाहिए। आप इसके संदर्भ में क्या बोलेंगे, क्योंकि शिक्षा ग्रामीण के बच्चों को मिलना चाहिए। ये बहुत ही गलत निर्णय है मेरे ख्याल में। इसके बारे में ज़्यादा जो शिक्षक है वो भी त्रासदायक है, क्योंकि शिक्षकों के मन में एक मायूसी छा गई है। अगर लड़के पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? गाँव के क्षेत्र में दूर जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल अगर बंद हो गए तो समझे शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर जाएगा।
तो मैं जो भी ऊपर वाले हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा मत कीजिए, ताकि जो आरटी एक्ट के अनुसार कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी ज़रूरी है, तो अगर स्कूल बंद कर दिए तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे आगे चलकर। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ऐसा मत कीजिए। कविता के माध्यम से कुछ आपने लिखा है कि प्रशासन को भी कविता के माध्यम से कुछ सुनाएंगे? जी जी नहीं, बहरहाल चालू तो है, सब कुछ होगा आगे चलकर। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, लिखने का प्रयास चालू है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कवि राहुल शामकवर जी, और भी उनसे एक दो हम कविताएं सुनाएंगे उनकी, क्योंकि बहुत ही उनकी जो रचनाएं हैं वो एक बहुत ही गजब की रचनाएं उन्होंने सुनी है। और भी एक राहुल जी कुछ एक दो जो आपकी कविताएं होंगी कुछ शराबियों के ऊपर में थोड़ा सुना दीजिए दर्शकों को। जी जी ज़रूर, चलते चलते भी एक शेर सुनवाना चाहूँगा। अर्ज किया है कि मैखाने से मकान तक चलने का हुनर रखता हूँ, मैखाने से मकान तक चलने का हुनर रखता हूँ, जानवरों से इंसान तक चलने का हुनर रखता हूँ, जानवरों से इंसान तक चलने का हुनर रखता हूँ। एक बम्पर जो पी लिया, एक बम्पर जो पी लिया, फिर भी संभल कर चलने का हुनर रखता हूँ, फिर भी संभल कर चलने का हुनर रखता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, पीने के बाद में तो बिल्कुल वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, इसलिए वो एक शराबी के ऊपर में कविता ये सुनाई। बहुत ही अच्छी सारी कविताएं हमारे दर्शकों को राहुल शामकोर जी जो कवि है रामटेक से आते हैं, खास करके मैं बताऊँगा रामटेक एक हमारा बहुत बड़ा नागपुर ज़िले का एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र से आते हैं। तो राहुल जी, आपने हमारे चैनल को आपका कीमती समय दिया, इसके लिए आपका हमारे दोनों चैनल की ओर से शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में कवि राहुल शामकोर जी। तो आप देखते रहिए WH News IBM TV9। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। शुक्रिया।